दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के नौवें मुकाबले में एक बेहद ही दिलचस्प वाक्य देखने को मिला। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए 8 विकेट से अफगान टीम को हरा दिया। बीच मैदान में आईपीएल के दौरान छिड़ी विराट और नवीन के बीच लड़ाई का अंत हो गया। दोनों के बीच मैदान पर दोस्ताना अंदाज नजर आया। इस बीच गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं दोस्तों। आईपीएल 2023 में विराट कोहली और नवीन उलघ के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी, अब इस झगड़े का अंत हो गया है। आईपीएल 2023 में कोहली रॉयल चैलेंजर और नवीन उलहक जो है लखनऊ सुपर जायंट का हिस्सा थे और गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट के मेंटोर। आरसीबी और एलएसजी के बीच एक मैच में कोहली और नवीन के बीच कहासुनी हुई थी। मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाते वक्त एक बार फिर माहौल गरमाया था। नवीन ने कोहली का हाथ तक झटक दिया था। इस विवाद में एलएसजी के मेंटोर गौतम गंभीर की भी एंट्री हो गई थी, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। उसी को लेकर अब वर्ल्ड कप 2023 के अफगान इंडिया मैच के दौरान विराट और नवीन का दोस्ताना अंदाज नजर आया। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए कोहली का सामना नवीन उलहक की गेंदों से हुआ। इस बीच दोनों के बीच दोस्ती नजर आई। स्टैंड में बैठे कोहली के फैंस नवीन को चिढ़ा रहे थे। इसके बाद कोहली ने इशारा करते हुए फैंस को ऐसा ना करने के लिए कहा। कुछ समय बाद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते और हंसकर बात करते हुए नजर आए। इसको लेकर गौतम गंभीर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा, लड़ाई मैदान के बीच होती है ना कि बाहर। हर खिलाड़ी को अपनी टीम और जीत के लिए लड़ने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि आप किस देश या किस स्तर के खिलाड़ी हैं। हमने आज एक अच्छी चीज देखी है कि कोहली और नवीन की लड़ाई अब खत्म हो गई है। मैं क्राउड से कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर किसी खिलाड़ी को ट्रोल करना या गलत तरीके से टारगेट करना ठीक नहीं है। आपको यह समझना जरूरी है कि नवीन पहली बार आईपीएल में खेले थे, वह अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, क्या आप भी विराट कोहली और नवीन उलघ की लड़ाई को खत्म होने के लेके खुश हैं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों।